दिखाने वाले से नहीं। ये जो आज धरना प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन इसके लिए था कि मजलूमों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन, इस टाइटल से हम लोग ने वो किया था। तो जो मजलूम, ये उर्दू शब्द है, मजलूम का अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो उसका अर्थ होता है पीड़ित, और अगर उसको और सटीक किया जाए तो उसका अर्थ होता है गुलाम। दुनिया में जितने भी गुलाम है वो ही मजलूम है, वही पीड़ित है। आज़ाद लोग पीड़ित नहीं है, आज़ाद लोग मजलूम नहीं। तो हमारी जो समस्या है वो गुलामी की समस्या है, और ये गुलामी की समस्या समाप्त करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा नाम का एक संगठन बनाया, उसके माध्यम से हम लोग आंदोलन को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में तब्दील करने वाले हैं। तो पिछले 3-4 साल पहले 2012 में दुनिया में 18 देशों में जन आंदोलन हुए, वो मेरे पास सब है, किन किन देशों में नेट के साथ मेरे पास है। तो 18 देशों में जन आंदोलन हुए, वहाँ के लोगों ने, वहाँ पर राजाशाही थी, दूसरे हुकुमशाही थी, वो डिक्टेटरशिप थी, तो उसके विरोध में लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए आंदोलन किए। लेकिन भारत में पहले से ही लोकतंत्र है, कागज पर है, किताब में है लोकतंत्र है, लेकिन वो लोकतंत्र भारत में लागू नहीं है। तो इसके लिए जैसे इन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी होता है जब लोकतंत्र में विरोधी पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो। अपोजिशन जो रूलिंग है वो रूलिंग का काम करेगा, अगर जनता के विरोध में रूलिंग पार्टी ने कोई कानून बनाए तो विरोधी पार्टी उसका संसद में विरोध करेगी, और अगर संसद में विरोध करके भी अगर रूलिंग पार्टी कुछ कर नहीं रही है, वो कानून पीछे नहीं ले रही है, तो वो रूलिंग अपोजिशन पार्टी जनता को बताएगी। ये काम मीडिया का है खासतौर पर, और वो मीडिया पिछले अगले चुनाव में उस पार्टी, रूलिंग पार्टी को गिराने का काम करेगी। तो ये ऐसा भारत में होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली ऐसा हम बोल रहे हैं, लेकिन पैरट होता है, पैरट को अगर आप पिंजरे में बंद कर दो और उसको आज़ादी आज़ादी ये शब्द हटाओ तो वो भी आज़ादी बोलता है, लेकिन वो वास्तविक आज़ादी अनुभव नहीं करता। आज़ादी व्याख्या करने की चीज़ नहीं है, आज़ादी अनुभव एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अगर हम एक्सपीरियंस लेते हैं आज़ादी का तो हम आज़ाद हैं। ऐसे कुछ 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ। पिछले साल 10 अक्टूबर को पालघर, जो अभी नया जिला बना है, उस पालघर जिले में मोखाड़ नाम का एक तहसील है, उस मोखाड़ तहसील में 100-150 आदिवासी लोगों ने एक मोर्चा निकाला रेशनिंग ऑफिस पर। उन्होंने कहा कि हम लोग को रेशनिंग कार्ड दो। आज़ादी के 67 सालों में जिन लोगों को रेशनिंग कार्ड लेने के लिए मोर्चा निकालना पड़ता हो, उस देश के लोग आज़ाद है ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। भले ही हर 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा लहराया जाता है, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज़ादी का जो दिन है 15 अगस्त, अगर आज़ादी का दिन मान लिया जाए, तो आज़ादी का दिन समीक्षा करने का दिन होता है कि हमने आज़ादी मिलने के बाद हमने कितना डेवलपमेंट किया, हम कितना आगे बढ़े, ये समीक्षा करने का दिन होता है। लेकिन मीडिया इसकी समीक्षा नहीं करता, मीडिया उसको मनोरंजन एंटरटेनमेंट डे करता है। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, अवार्ड रखे जाते हैं, नाच गाना होता है, ये एंटरटेनमेंट डे नहीं है, ये रिव्यू डे है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि आज़ादी के बाद हमने कितना डेवलपमेंट किया, लोगों के लिए कितना सुविधा दी। तो ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ, अर्जुन सेन गुप्ता, जो पिछले शायद 1.5 साल पहले उनका देहांत हो गया, वर्ल्ड बैंक में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने वाले अर्जुन सेन गुप्ता बंगाल से, तो उन्होंने और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर एक सर्वे किया भारत में, और सर्वे करने के बाद उन्होंने एक स्लैब, इनकम स्लैब बनाया लोगों का। उस इनकम स्लैब में उन्होंने बताया कि 83 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पर डे पर पर्सन इनकम कम से कम 6 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया। अगर मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया दिन का इनकम है, 600 रुपया महीने का होता है, 600 रुपया कमाने वाला आदमी क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, उसके एजुकेशन के लिए उसने क्या रखा होगा, उसने पहनने के लिए क्या रखा होगा। ये मेरे हाथ में जो घड़ी है ये 2500 की घड़ी है, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हूँ, इसके लिए मेरे पास ये सब है। मैं मेरे घर का लाइट बिल 1200 रुपये भरता हूँ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि महीने का 600 रुपये कमाने वाला आदमी क्या कर सकता है, उसका खुद के लिए क्या कर सकता है और बच्चों के लिए क्या कर सकता है। तो भारत में ऐसे 83 करोड़ लोग हैं, एक दो लोग नहीं है, 83 करोड़ लोग हैं। तो क्या वो 83 करोड़ लोग आज़ाद है? नहीं है।
तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हम आज़ाद है, हम गुलाम है और गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। गुलाम, मैंने जैसे पहले ही कहा कि गुलाम मजलूम होते हैं, गुलाम पीड़ित होते हैं, तो हमारी समस्या गुलामी की है और गुलामी से मुक्त करने के लिए हमने भारत मुक्ति मोर्चा नाम का एक संगठन बनाया जो भारत को और भारत के लोगों को आज़ाद कराएगा। लोकसभा में इस पार्टी ने 450 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े कर लिए। इस भारत देश में बहुजन मुक्ति पार्टी नामक एक पार्टी ने 450 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए। आज तक भारत का इतिहास है कि इतने बड़े पैमाने पर अपने उम्मीदवार ना तो कांग्रेस खड़ी कर पाई है, ना तो बीजेपी खड़ी कर पाई है। हालांकि इस भारत देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, फिर भी नहीं खड़ी कर पा रही है। और इस भारत देश में इतने बड़े पैमाने पर बहुजन मुक्ति पार्टी नाम के पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े करते हुए भी उस पार्टी का नाम तो छोड़ो, लेकिन उस पार्टी के उम्मीदवार कितने हैं ये भी बताना मुनासिब नहीं समझा। तो इससे हम समझ सकते हैं जिस मुस्लिम कौन या अदर पार्टी को वो लोग जो हाईलाइट करते हैं वो उनके शायद समर्थन में हो सकते हैं, राइट? और उनको मीडिया को ऐसा लगता है या मीडिया ऐसी महसूस कर रही है कि इस भारत देश में जितनी पार्टियां हैं वो सारी की सारी पार्टियां रूलर में हो या अपोजिशन में हो, जैसे मैंने बताया नागनाथ हो या सांपनाथ हो ज़रूर काटेंगे, उनके अंडर में ही काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो थर्ड अपोजिशन जो पार्टी आ रही है, बहुजन मुक्ति पार्टी नाम की जो पार्टी आ रही है, वो 450 सीट खड़े करती है, वो हमारे अपोजिशन में खड़ी हो सकती है। जैसे कि आज भारत में आज़ादी के 67 साल बाद भी अपोजिशन पार्टी नहीं है। भारत देश में जितनी भी पार्टी है, कांग्रेस आती है तो बीजेपी उसका ही पार्टी है, समर्थन में होती है, अपोजिशन में नहीं होती। कांग्रेस में सपोर्ट के बिना दूसरी पार्टियां आती नहीं और उसको समर्थन देना उनका फर्ज बन जाता है, वैसे ही बीजेपी को भी समर्थन दिए बिना वो आ सकती नहीं है। इसके लिए अपोजिशन पार्टी नहीं है तो अपोजिशन पार्टी के रूल, अपोजिशन पार्टी का ये जो फंडा है वो निभाने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी ये अपने ताकत से करने वाली है भारत देश में। ये जानकर इस भारत देश में उस पार्टी को हाईलाइट नहीं किया जाए। देखिए क्या मालूम है, भारत देश में पहली बात तो मीडिया ये जो है ना वो सबसे बहुत अहम एक रोल निभाती है इस भारत देश में, मीडिया जो है, और मीडिया ही हाईलाइट करती है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये मीडिया ही बताती है। तो आदमी जो होता है, आदमी जो है, कोई भी आदमी, उसको अगर बार बार एक ही चीज़ को पेनिट्रेट किया जाए दिमाग में, तो उसके दिमाग में वही बैठ जाता है। और हमारे जो लोग हैं ना इस भारत देश के, वो भोले लोग, उन लोगों को कुछ बात अगर बता दी जाए कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो उस आदमी को गलत ही मानते। यही हो रहा है भारत देश में कि मीडिया जिस तरह से प्रेजेंट करती है कि मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने वैसा किया, मुसलमानों ने दंगे फैलाए, इंडियन मुजाहिदीन 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 इंडियन मुजाहिदीन इंडियन मुजाहिदीन असलियत में कौन है मीडिया भी नहीं दिखाती, लेकिन किसी ना किसी मुस्लिम का फेस जरूर दिखाती। इंडियन मुजाहिदीन वाकई में कौन है ये पता नहीं है, लेकिन उस इंडियन मुजाहिदीन नाम पे पीछे एक मुसलमान बंदे का चेहरा जरूर होता है। वो चेहरा देख के बंदा आदमी बोलता है अरे नहीं आतंकवादी हो सकता है, बस ये उसके पीछे का कारण है। राज 2005 में असीमानंद नाम के एक आदमी ने कन्फेशन दिया था कि इस भारत देश में जितने भी दंगे हुए आज तक, बम ब्लास्ट हुए आज तक, वो सब हमने किए हैं, RSS ने किए हैं, ऐसा उसने कन्फेक्शन दिया था।
अगर उसने कंडीशन ऐसा दिया है तो इस भारत देश में जो मुस्लिम कौम है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके बच्चों को क्यों फंसाया जाता है, उनको क्यों पकड़ के जेलों के सलाखों में घुसा जाता है, ये भी हमें सोचना चाहिए। जैसे कि मालेगांव धमाका हुआ, तो मालेगांव धमाके में जिन बच्चों को, मुस्लिम लड़कों को अरेस्ट किया गया था, उस मालेगांव धमाके के अरेस्ट हुए बच्चों को काफ़ी मात्रा में छुड़ाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा ने अपना योगदान दिया, आगे आकर सुप्रीम कोर्ट में लड़कर उन बच्चों को बाहर निकालने का काम किया और पूरे भारत देश में जन जागृति की है कि इस भारत देश में जो मुस्लिम बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, निरपराध है, उन बेगुनाह मुसलमानों को बेवजह सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। जो यूपी बिहार से लोग आते हैं, जो मुस्लिम कौम के लोग आते हैं यहाँ पर, उसके बारे में पूरी तरह से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट हर एक अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्टेट में उन बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज बना के रखे हैं, क्या पढ़ाई का साधन उनके पास सही ढंग से है, क्या उनको ठीक से शिक्षा दी जा रही है, क्या उनके पास खाने के लिए कुछ है, नौकरी का प्रबंध है। तो ऐसा अगर नहीं है, और ये बॉम्बे सिटी जो है इकोनॉमिकली वर्ल्ड का इकोनॉमिकली जोन माना जाता है, तो उस क्षेत्र में अगर कमाने के माध्यम से अगर कोई आना चाहता है तो उसमें कुछ, और ये जो कंडीशन है, ये जो हालात है, ये गवर्नमेंट की वजह से हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों भी एक ही नाने के दो डबल सिक्के, दो बाजू है, एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, सांपनाथ काटे तो भी आदमी मरने वाला है, नागनाथ काटे तो भी आदमी मरने वाला है। तो इनका जो लोगों का बारे में जो सोचने का जो सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, अगर वो इस तरह से करेगी, उनका यूपी में अगर उनको उनके लिए फैसिलिटी बना के दे, यूपी का बच्चा यहाँ आएगा, बिहार का बच्चा यहाँ आएगा, वही अपना जो क्या है रोजगार कमा के वहाँ अपना जो कुछ भी है उसका अपना गुजारा कर दे सकता। रही बात मुसलमानों के कुछ बारे में, तो ऑल ओवर इंडिया में मुस्लिम्स हैं भाई, ऑल ओवर इंडिया में मुस्लिम्स हैं, और यहाँ का भारत देश का 98% मुसलमान इस भारत देश का है, ना कि कहीं बाहर से आया हो, वो सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी से कन्वर्ट बंदा है। तो ये जो मुस्लिम कौम है, ये अगर भारत देश का ही है तो उसको हक है किसी भी स्टेट में जाके अपना गुजारा करने। यहाँ पर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा माहौल खराब होता है, और जो अपोजिशन के लोग हैं, मतलब जो लोग ऐसा नहीं चाहते कि ये लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर बसे, यहाँ पर गुजारा करें, उन लोगों को ये मौका मिलता है। अगर 15 साल 10 साल अगर कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार में यूपी बिहार में अगर कुछ केंद्र की तरफ से अगर कुछ वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज दिया होता तो वो यूपी बिहार के लोग मुंबई नहीं आते, महाराष्ट्र में नहीं आते, और महाराष्ट्र के जो मनसे और शिवसेना के लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता। यानी कि कांग्रेस मौका दे रही है इन लोगों को बढ़ने के लिए, ये मेरा कहना। तो इसमें जो लोग बाहर से आते हैं मुंबई में उनका नुकसान है, जो लोग मुंबई में रहते हैं उनका नुकसान है, लेकिन फायदा पार्टियों का होता है, आम आदमियों का नुकसान। भारत के संविधान में एक फंडामेंटल जो ज़रूरत ही होती है आम आदमी की, अच्छा जीवन जीने के लिए, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, कपड़ा, ये पांच चीज़ें ज़रूरी हैं। पांच चीज़ें देने की जिम्मेवारी संविधान ने जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उन पर दी है, बराबर। अभी वो लोग अगर लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, तो ये किसकी वजह से रहते हैं,
क्योंकि संविधान पर अमल नहीं हुआ पिछले 65-67 सालों से, इसके लिए वो स्लम में रहते हैं। जिम्मेवारी किसकी है? वो सरकार की है। जो माड़ा का जो दुकान है मुंबई में चलता है, माड़ा का जो बिल्डिंग है, तो उन्होंने वो सही तरीके से बनाना चाहिए। अभी माड़ा का होता क्या है, माड़ा के लोग जिनको पहले से ही घर है, जो पहले ही बिल्डिंग में रहते हैं, वही लोग माड़ा में फॉर्म भरते हैं, उनका नंबर लग जाता है, पैसा देकर वो घर फिर से खरीद लेते हैं। एक आदमी के पीछे दो दो तीन तीन घर है, एक आदमी के खुद के दो दो तीन तीन घर है, और जो जिनके नहीं है उनका एक भी नहीं है। जो गवर्नमेंट हमको जो रूम देती है, आपका जो सही सवाल है, रूम देती है तो लोग बेच के दूसरा रूम ले लेते हैं, चले जाते हैं। रूम जो देती है गवर्नमेंट, आज मुझे बताइए, एक जानवर है, बैल है, उसको 10x10 के रूम में हम बांध के रख सकेंगे कितना समय रख सकेंगे, उठ के मर जाएगा। जो रूम देते हैं गवर्नमेंट, उस रूम में उसकी एक फैमिली है, 10 बच्चे हैं, कभी कभी दो भाई है, दो फैमिली है, दोनों के अलग अलग परिवार है, दो परिवार रहते हैं, तो वो रह नहीं पाते उस घर में, और उनको बहुत ज़्यादा बनाने पर उसको तकलीफ हो जाती है, और उस तकलीफ के वजह से वो रूम बेचता है और उस रूम में दूसरा रूम लेने जाता है, तो उसी पैसे में दूसरा फ्लैट को आना मुमकिन नहीं है, इसीलिए दूसरा दो रूम तो झोपड़े खड़ी चुके हैं, इससे नई झोपड़पट्टी बना। दूसरा ये है कि मुंबई में SRA नाम का एक बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है, SRA। अभी ये SRA क्या है कि एक स्लम एरिया है, उस स्लम एरिया को उन्होंने कहा है कि आप एक कमेटी बनाओ, कमेटी के माध्यम से एक बिल्डर लाओ, और बिल्डर लाने के बाद आप अपना खुद का डेवलपमेंट कर लो। लेकिन बिल्डर कौन आएगा ये डिसाइड नहीं हो पा रहा, और इसकी वजह से जो एक स्लम एरिया था वो दो हो गए, फिर ये अलग अपना बिल्डर लाएगा, फिर ये अलग अपना बिल्डर लाएगा। तो ये ऐसे बहुत से उदाहरण हैं मुंबई में। आप तिलक नगर में जाओगे तो तिलक नगर में राहुल नगर करके एक है, पंचशील नगर करके एक है, वहाँ पर भी ये परिस्थिति है। दूसरा बीच जो बनाए गए वो जितनी स्लम जो जितनी घर थे, मकान थे, झोपड़पट्टी थी, वो सबको हटा दिया है और वहाँ पर ब्रिज बनाया, जिनके घर वहाँ पर गए उनके लिए रीडेवलपमेंट उनका कुछ भी नहीं है। हाँ, आप चेंबूर में आओ, स्टेशन के बगल में चेंबूर वेस्ट में ट्रांजिस कैम्प है, 10 साल से वो ट्रांजिस कैम्प लगाया था कि वो आप ट्रांजिस कैम्प मतलब क्या है कि आप यहाँ कुछ देर तक रह लो, आपकी बिल्डिंग हो जाएगी तो हम आपको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। 10 साल हो गया, ना बिल्डिंग है ना कुछ है, वो ट्रांजिस कैम्प में रह गए, वही उनकी बिल्डिंग हो गई। तो ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट वो पूरा नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, अगर मुंबई कॉरपोरेशन का अगर बजट देख लो तो इंडिया का फर्स्ट बजट था, उससे दुगना चौगुना मुंबई कॉरपोरेशन का बजट है। तो उनके पास पैसा नहीं है करने के लिए, ये बात नहीं है, उनकी नीयत नहीं है लोगों के लिए करने, उनके मन में एक्चुअली ये नहीं है कि लोगों का अच्छा होना चाहिए, उसके लिए ये सब हो रहा है। ये SRA को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी लोगों को जानकारी दे रही है कि क्या है कि लोगों को समझ ही नहीं आता है कि हमारे साथ क्या षड्यंत्र हो रहा है। ये जो डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है ये अंग्रेजों ने नहीं बनाया, ये जो ब्राह्मण जो आए भारत में उन्होंने जातिया और वो सब वर्ण व्यवस्था और वो सब बनाई, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो लोग अपना रहे, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी उनमें पहले अवेयरनेस कर रही है, अवेयरनेस के बाद उनको ऑर्गेनाइज करेगी, ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर एक्शन होगा। ये बहुजन मुक्ति पार्टी का फिलहाल काम चल रहा है। आप मानपुर की बात कर रहे हो, मैं मानपुर में रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र नगर में चित्रा कैंप जो एरिया है पूरा स्लम एरिया है। कुछ एरिया है स्लम होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा है, मतलब स्लम बोलने के बाद और नाली और ये गंदगी ऐसा वहाँ पर नहीं है। आप अगर पायलीपाड़ा देखो, बहुत से आगे एरिया है जो BRC के बाद जो लगता है, तो वो एरिया बहुत से ठीक से रखे हैं लोगों ने, क्योंकि लोगों को खुद रहना है, तो खुद रहने के लिए वो साफ सुथरा वगैरह रहते हैं। स्लम मतलब ऐसा गंदगी वहाँ पर नहीं है, लेकिन इतना है कि उन लोग को बड़ा मकान, जैसे इन्होंने कहा कि बड़ा मकान नहीं मिलता है तो लोग डबल कर देते हैं, तो ये भी कानूनन नहीं है डबल करना, टिकना करना। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सोचना चाहिए। चिट्टा कैंप में भी हमारा काम है, पार्टी के लोग हैं वो वहाँ पर भी जागृति करने का काम कर रहे हैं। आपको सवाल पूछना चाहूँगा कि इस भारत देश में बहुजन मुक्ति पार्टी नाम की जो पार्टी है, बहुजन मुक्ति नाम की पार्टी जो है, इसके बारे में आपको कितनी जानकारी है?